हालेलुया हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया जीसस, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, जीसस हमारे है तू यहाँ, मेरा वजूद भी है क्या, जीजस हालेलुया हालेलुया जीजस, थैंक यू लॉर्ड जीजस, हालेलुया हालेलुया, ओ धन्यवाद हो यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में स्वागत करता हूं। आज की शाम के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर पिता ने हमें संभाला और हमारी सहायता की। इसके लिए हम जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं, आमीन हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके पवित्र नाम की स्तुति करें। आइए हम आज की आराधना को आरंभ करने से पहले हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, अपने आप को, अपने जीवन को, अपने प्राण को और अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद दें, धन्यवाद दें यीशु, आपका धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो, पिता आपका धन्यवाद हो, हालेलुया 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 जीसस, धन्यवाद यीशु। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, आज की उपवास प्रार्थना के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के फास्टिंग प्रेयर के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज के शुक्रवार की सभा के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, ओ प्रभु आपने हमें संभाला पिता, हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप हमारा रखवाला है, यीशु आप हमारा चरवाहा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। ओ पिता आज की प्रार्थना के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज प्रभु प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पिता, वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा परमेश्वर पिता आप लोगों को छुए परमेश्वर पिता, और लोगों के जीवन में प्रभु जी आप आश्चर्यकर्म कीजिए परमेश्वर पिता, उनके बंधन टूटने पाए, जो बीमार है वो यीशु मसीह के नाम में चंगे होने पाए, यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। ओ जीसस हालेलुया, जिनके मन में शांति नहीं है, हृदय में शांति नहीं है, जिनके शराब पाप नहीं टूटे हैं, वो यीशु के नाम में आज पिता परमेश्वर ईश्वर तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा परमेश्वर पिता उनके सब प्रकार के पाप और शराब टूटने पाए और लोग आशीष होने पाए, आज यीशु के नाम से पिता उनके क्रूर शराब टूटे यीशु मसीह के नाम से, ओ उनके क्रूर शराब टूटे यीशु मसीह के नाम से, और वो आशीषित हो आज यीशु मसीह के नाम से, आज वो आशीषित हो यीशु मसीह के नाम से, आज उनके सब प्रकार के ओ चाहे कैसे भी शराब क्यों ना हो, वो यीशु के नाम में आज उनके शराब टूटे यीशु के नाम में, और वो आशीषित हो मेरे परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। आज वो बीमारी के, गरीबी के, ओ लाचारी के, ओ सब प्रकार के शराब यीशु मसीह के नाम में टूटने पाए, टूटने पाए आज यीशु के नाम से, आराधना के द्वारा। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो, पिता आपका धन्यवाद हो, यीशु आपका धन्यवाद हो, हालेलुया हालेलुया। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे आराधना का आत्मा दे प्रभु जी, कि मैं आराधना कर सकूं प्रभु जी, दिल से आराधना कर सको पिता, तेरे नाम की महिमा कर सको मेरे परमेश्वर पिता। ओ जीसस हालेलुया, मैं दिल से आराधना करूं प्रभु तेरी, दिल से नाम लूं मेरे परमेश्वर में तेरा। ओ तू मेरा अब्बा है, तू मेरा पिता है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा रखवाला है मेरे परमेश्वर पिता। आज मुझ पर भी दया कर यीशु, कहे यीशु से, यीशु मुझ पर भी दया कर, मेरे भी पाप को क्षमा कर, और परमेश्वर मुझे ज्यों का त्यों कर प्रभु, मुझे नया कर यीशु, दया कर प्रभु, दया कर, दया कर यीशु। थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे आगे के समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से कबूल कीजिए पिता, आमीन आमीन हालेलुया
हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम आराधना करते हैं तो हम आराधना करें उस समय पर हम जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन, हालेलुया। आज की शाम हम परमेश्वर की आराधना करें, कुछ गीतों के द्वारा हम जीवित परमेश्वर की आराधना करें और उसके पवित्र नाम की महिमा करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आपके बंधन टूटेंगे और आप आशीषित होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, यस जीसस, हालेलुया। धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आराधना करते हुए ताली बजाते हुए जीवित परमेश्वर की स्तुति करें। साथ उसके चरणों में आराधना करते हुए तमन के साथ उसके चरणों में स्तुति करते हुए धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आराधना करते हुए तमन के साथ उसके चरणों में स्तुति करते हुए ईशु ही प्रभु है, ईशु ही प्रभु है, ईशु ही प्रभु है, ईशु ही प्रभु है। सोता नदी सा बहता मधु से मीठा है वो, बंजर जमी को हरा वो करता सुताई झरना है वो। जीवन का सोता नदी सा बहता मधु से मीठा है वो, बंजर जमी को हरा वो करता सुताई झरना है वो। ईशु ही प्रभु है, ईशु ही प्रभु है, ईशु ही प्रभु है, ईशु ही प्रभु है। सोता वचन को भेजकर चंगाई देता है वो, रोगों से मुक्ति जीने की शक्ति जिंदगी देता है वो। ज्ञान का सोता वचन को भेजकर चंगाई देता है वो, रोगों से मुक्ति जीने की शक्ति जिंदगी देता है वो। धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आराधना करते हुए तमन के साथ उसके चरणों में स्तुति करते हुए धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आराधना करते हुए तमन के साथ उसके चरणों में स्तुति करते हुए ईशु ही प्रभु है, 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 ईशु ही प्रभु है। Jesus, hallelujah. Jesus, thank you, Jesus, hallelujah.
ओ थैंक यू जीजा हालेलुया, यीशु ही प्रभु है, उसका धन्यवाद करें। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर गम से ना ढाले हुआ, सूली की राहों पर गम से ना ढाले हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, जाइर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, जाइर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से,
अधिकार बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। बड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। सब गवांगे, बड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, हालेलुया, बड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया, यीशु की दीवानी हो गई, हरिया, मेरे दिल का सुना दिया, यीशु की दीवानी हो गई, बड़ा पाप छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, बड़ा पाप छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई, हालेलुया, अज पाप के कड़े नु छट के जाइए सगर, हालेलुया, कलाम दे विच लिखा है, हे सारे थके होयो ते बोझ थले दबे होयो, लोगो मेरे कोल आओ ते मैं तानु आराम दवांगा, हालेलुया, दुनिया से छुप छुपा के मैंने पाप जो पिए हैं, दुनिया से छुप छुपा के मैंने पाप जो पिए हैं, मक्कारी बदकारी के मैंने जाम जो पिए हैं, मक्कारी बदकारी के मैंने जाम जो पिए हैं, अब पाप निकल गया दिल से, अब पाप निकल गया दिल से, नई जिंदगानी हो गई, अब पाप निकल गया दिल से, नई जिंदगानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, हालेलुया, मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई, अब तो मेरी जिंदगी का बस एक सहारा है, कहिए, अब तो मेरी जिंदगी का बस एक सहारा है, मेरी जान से प्यारा
बख्श निहारा है, मेरी जान से प्यारा यसु बख्श निहारा है। मुझे अमृत जल मिला है, मुझे अमृत जल मिला है, दूर परेशानी हो गई। मुझे अमृत जल मिला, दूर परेशानी हो गई, यसु की मेहरबानी हो गई, यसु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया है, मैं यसु की दीवानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया है, मैं यसु की दीवानी हो गई। तो लास्ट विच कहती अपनी गवाही दे विच, आओ लोगो आओ मेरी सुनो गवाही को, आओ लोगो आओ मेरी सुनो गवाही को, कुएं पे चल के देखो उस जग के माही को, कुएं पे चल के देखो उस जग के माही को। उसने बात बता दी दिल की, उसने बात बता दी, चाहे बदनामी हो गई, उसने बात बता दी दिल की, चाहे बदनामी हो गई, यसु की मेहरबानी हो गई, यसु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया है, मैं यसु की दीवानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया है, मैं यसु की दीवानी हो गई। घड़ा पाका छोड़ दिया, मटके को खो दिया, घड़ा पाका छोड़ दिया, मटके को खो दिया, यसु की मेहरबानी हो गई। अपने थन उठाइए और कहिए, मेरे दिल का सुना दिया है, मैं यसु की दीवानी हो, क्या यसु का दीवाने गाइए, मेरे दिल का सुना दिया है, मैं यसु की दीवानी हो, खड़ा खड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, सरगंबू नरबाल रगंदा, झड़ा पाप का छोड़, सरगंबू नरबाल रगंदा, मटके को फोड़ दिया। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ जीसस हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, ओ जीसस हालेलुया, ओ हालेलुया जीसस, उसके पवित्र नाम की स्तुति करें, ओ जीसस हालेलुया, उसके पवित्र नाम की तारीफ करें, ओ जीसस हालेलुया हालेलुया। यदि हमने पाप करना छोड़ दिया,
हमारे जीवन से, तो हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करें, ओ उसके पवित्र नाम की हम तारीफ करें, ओ जीजस हालेलुया हालेलुया जीजस हालेलुया। ओ अपने हाथों को उठाकर ओ परमेश्वर कहे, परमेश्वर तू हमारे पापों को और हमारे गुनाहों को माफ कर दे प्रभु जी। ओ पिता तूने हम में योग्यता दी मेरे परमेश्वर पिता, तूने हम में योग्यता दी मेरे परमेश्वर पिता, ओ प्रभु हम दूसरों के पापों को क्षमा कर सके मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु तूने हमें योग्य बनाया प्रभु जी, हम योग्य नहीं थे प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते पिता। आज मेरे प्रियो उन लोगों के लिए क्षमा करो जिनको अभी तक आपने क्षमा नहीं किया है, आज उनके लिए यीशु के नाम में कहो, ओ आपके सताने वालों के लिए क्षमा करो, आपके सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, आपके विरोधी के लिए आप प्रार्थना करो, यीशु के नाम से कहो कि उसके पापों को मैं क्षमा करता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया, आप किसी को अभी तक आपने क्षमा नहीं किया है, ओ जीसस हालेलुया, आज कहो प्रभु यीशु के नाम से कि मैं उन्हें क्षमा करता हूं, ओ जीसस हालेलुया, और मैं उन्हें आशीष देता हूं, मैं अपने विरोधी को आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम से, ओ मेरे निंदा करने वालों को मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु यीशु दया कर, यीशु मुझ पर दया कर प्रभु जी, तेरी दया का हाथ होने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु जब कोढ़ी पाया तेरे पास प्रभु जी, जब अंधा आया तेरे पास मेरे परमेश्वर पिता, तूने उन पर दया की प्रभु जी, वैसे ही प्रभु आज मुझ पर दया कर। ओ प्रभु जी जब जैसे पत्रस ने प्रभु जी आत्मा से भर कर प्रभु जी ओ तेरा वचन को सुनाया प्रभु जी और उनके हृदय छुट गए, मेरे परमेश्वर आ तेरे वचन से प्रभु जी मेरा भी हृदय कायल हो जाए, मेरा हृदय भी छिट जाए प्रभु जी। जितने भी भक्त गण प्रभु जी, जितने भी आज पिता प्रार्थना में है प्रभु जी, उनके लिए मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से प्रभु जी। ओ प्रभु तू हर एक को सुनने वाला आत्मा दे दे, चलने वाला आत्मा दे परमेश्वर पिता, तेरे वचन को वो अपने हृदय में रखने पाए प्रभु जी, और परमेश्वर पिता वो पाप न करने पाए यीशु। ओ पिता हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु, यीशु आप दया करें, यीशु दया कर, यीशु दया कर मेरे परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया जीसस, धन्यवाद ओ महान जीवित परमेश्वर पिता, सारा महिमा और आदर पिता परमेश्वर आपको देते हैं, आगे के समय को प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु जी। आज मेरे परमेश्वर पिता जो लोग बीमार हैं पिता, जो लोग पीड़ाओं में हैं प्रभु जी, वो तेरे वचन के द्वारा प्रभु चंगे हो परमेश्वर पिता। आज उनके पाप क्षमा किए जाएं, आज उनके शराब टूटे यीशु मसीह के नाम से। आज परमेश्वर पिता आज चंगाई और छुटकारे की रात है, आज यीशु के नाम में कहो मेरी चंगाई और छुटकारे की रात है, आज मेरी आशीष की रात है, यीशु के नाम से कहो, यीशु के नाम में विश्वास के साथ कहो, ओ जीसस हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा और आदर पिता आपको देते हैं, यीशु के नाम से हम दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करता हूं आज की इस ऑनलाइन प्रार्थना में, आमीन हालेलुया। आप जहां से भी सुन रहे हैं, जहां से भी हैं, आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, और धन्य है वो व्यक्ति, वो स्त्री पुरुष बच्चा जवान जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। कितनी ही खूबसूरत बात है कि हम मनुष्य की वाणी ना सुनकर जीवित परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं, आमीन हालेलुया। देखिए परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती रची सुसमाचार उसके 9 अध्याय में। आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप उठाइए। मेरे प्रियो हम योग्य नहीं थे, क्या नहीं थे, हम योग्य नहीं थे, हम में परमेश्वर ने एक योग्यता प्रदान दी, एक योग्यता का वरदान दिया पता है, और वो योग्यता क्या है, दूसरों को क्षमा करना, दूसरों को क्षमा करना, दूसरों को क्षमा करना, दूसरों को आशीर्वाद देना, ये मसीह लोगों में परमेश्वर ने एक वरदान डाला। दूसरों के लिए प्रार्थना करना, ये परमेश्वर ने योग्यता डाली, पर दूसरों के लिए प्रार्थना करना ये परमेश्वर ने उनके अंदर फिट कर दिया। उसके वचन में लिखा है कि मेरे विश्वास करने वालों में यह निशान होंगे, ये योग्यता डाल दिया प्रभु ने, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दे दिया, किसी वस्तु से कुछ हानि ना होगी, ये योग्यता दे दी मेरे प्रियो। कलवरी क्रूस पर यीशु ने अपना लहू बहाकर,
आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के लिए ईमानदार होइए, प्रभु के लिए ईमानदार होइए, उसके वचन के प्रति ईमानदार बनिए मेरे प्रियो। जब आप उसके वचन के प्रति ईमानदार बनते हैं, आपका जीवन, आपका परिवार रूपांतरित होगा, आपकी आत्मा उद्धार पाएगी मेरे प्रियो। शरीर पर मन मत लगाइए, परमेश्वर के वचन पर और प्रभु की ओर मन लगाइए। आमीन, हालेलुया। हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और देखो कई लोग लखवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लखवे के रोगी से कहा, हे पुत्र ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बात जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, यह कहना उठ चल फिर, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लखवे के रोगी से कहा, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर को चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया। आमीन, हालेलुया। किसको अधिकार दिया है? मनुष्यों को, दूसरों के पापों को। ये किसी को अधिकार नहीं मिला है मेरे प्रियो, जो मसीह में है, जो यीशु के लहू से धोए गए हैं, जिनके लिए प्रभु ने कलवरी क्रूस पर लहू बहाया है, ये उनको अधिकार दिया है। हालेलुया, ये उनको अधिकार दिया है। दूसरों पर भरोसा करना नहीं, वरन परमेश्वर पर भरोसा करें। यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। दाऊद ने यह अपने अनुभव से कहा, क्योंकि उसके घनिष्ठ मित्रों ने उसके साथ कई बार विश्वासघात किया। लोगों के प्रति कड़वाहट भर लेने की अपेक्षा या सभी लोगों को स्वाभाविक रूप से भरोसे के योग्य ना होने की कहने की अपेक्षा उसने एक सरल सत्य को सीधा और उसकी शिक्षा दी। पापी लोग हमें विफल कर देंगे, परंतु हम सदैव परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। हमेशा मेरे प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें। अपनी समझ का सहारा ना लें, वरन परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। आपके लिए परमेश्वर उत्तम उत्तम अच्छे मार्गों को निकालेगा। आप जो भी काम करते हैं उनमें सफल होंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज गॉड, परमेश्वर की महिमा हो। चीज है हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। क्षमा करने के योग्य होना, क्षमा करने के योग्य होना, हमें परमेश्वर क्षमा करने के योग्य बनाता है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हालेलुया, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? Yes. आप इस बात से सहमत हो सकते हैं कि दूसरों को क्षमा करना पर दूसरों को क्षमा करना है पर हो सकता है किसी व्यक्ति को हृदय से क्षमा करने में कठिनाई हो रही हो, तकलीफ हो रही हो, दिल से क्षमा करने में, मन से क्षमा करने में। आपको यह भी एहसास हो सकता है कि इसी कारण से शैतान ने आप और आपके परिवार पर शराप ला दिए हो सकता है, या फिर आपके परिवार में कोई अन्य सदस्य किसी बीमारी से पीड़ित हो सकता है बीमारी आपके परिवार का पीछा ना छोड़ रही हो। आप अपने कार्य व आराधना स्थल पर एक के बाद एक समस्या से संघर्ष कर रहे हो। अपने क्षमा करने वाले हृदय के लिए प्रार्थना की, पर ऐसा लगता नहीं कि क्षमा मिल गई है। आपको क्या करना चाहिए? विरोधी को आशीष दो। प्रभु ने कहा अपने वचन में, अपने सताने वालों को लिए आशीष दो, अपने विरोधी को आशीष दो। हालेलुया, क्या करो? अपने विरोधी को आशीष दो। एक मसीही महिला के विषय में मैं आपको बताता हूं, जो अपने चोट दुख पर जय प्राप्त नहीं कर पाई।
उसके पति ने उसे त्याग दिया था और उसे किसी अन्य महिला के साथ आता जाता देखना बहुत ही कठिन था। वह इस विषय पर इस हद तक नाराज और क्रोधित था, क्रोधित थी कि इस उसकी भूख, नींद, एकाग्रता सब कुछ प्रभावित हो गई थी। अंत में वह ऐसी स्थिति में आ गई थी कि अब उसे डर लगने लगा। क्या हो गया, क्या होने लगा? डर लगने लगा था। कहीं वह मानसिक संतुलन ना खो बैठे। उसके पासवान ने उसे सलाह दी कि प्रति भोर जब वह प्रार्थना करने उठती हो तो अपने पति को आशीष दिया करो। आरंभ में बहुत कठिन लगा, उसने काम किया। यह काम जो उसे दिया, उसे सौंपा, उसने किया। इसने आश्चर्यजनक परिणाम लाने का काम किया। पहले तो इसने इसी जीवन में काम किया। धीरे धीरे उसके क्रोध, कड़वापन उसका दूर होने लगा। फिर उसके हृदय को पति के प्रति तरस, क्षमा से भर दिया। फिर उसका पति भी परिवर्तित किया गया। ये काम कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। ये काम कौन कर रहा है? परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मित्रों, यदि आपको दुख पहुंचा है या किसी ने आपको नीचा दिखाया है, यदि कोई आपको दिन प्रतिदिन परेशान करता है, आप क्यों यह प्रयोग नहीं करते? आपको यही प्रयोग करना है जो मत्ती रची सुसमाचार उसके 6 अध्याय में जो प्रार्थना है। रोज सुबह उठ के जब हम उस प्रार्थना को दोहराते हैं और कहते हैं, यीशु ने एक अच्छा उदाहरण दिया अपने शिष्यों को अच्छा उदाहरण दिया। जब हम 12वें पद में देखते हैं, उसने कहा, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आप प्रातः जैसे ही उठते हैं संपूर्ण हृदय से प्रार्थना करें और परमेश्वर से उस व्यक्ति के लिए आशीष मांगे। यह निश्चय ही काम करता है, क्योंकि यह हमारे प्रभु के वचनों पर आधारित है, बाइबल पर आधारित है। मत्ती रची सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 44 पद में जब इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। ऐसा मैं नहीं, ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबिल कह रहा है। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना किया, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। पर मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वालों को आशीष दो, शराप ना दो। क्या करो? आशीष दो, शराप ना दो। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर को धन्यवाद दो। क्या करो? परमेश्वर को धन्यवाद दो। थैंक्स लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। गॉड इज गुड। परमेश्वर आप भले हैं, परमेश्वर आप भले हैं। जब आप कहते हैं थैंक्स गॉड, हमारे अंदर क्षमा ना करने वाली आत्मा ने पहली बार कैसे प्रवेश किया? हम उस विरोध और विरोध करने वाले के लिए जिसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनुमति दिया, परमेश्वर को धन्यवाद देने में असफल हो गए। हम यह अनुभव करने में असफल हो गए कि उसे पीछे परमेश्वर की योजना थी कि वे हमारे अंदर एक ईश्वरी गुण का विकास करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि यीशु मसीह में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना भुजाओ। 1 थिस्सलुनीकियों के 5 अध्याय और उसके 18 और 19 पद में परमेश्वर की इच्छा है कि हर बात में आपको क्या करना है? धन्यवाद देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या करना है आपको?
धन्यवाद देना है पहला थुलिस कुनियो और उसके 5:18-19 में आप वहां पर लिखा हुआ पाएंगे। क्या लिखा है? हर बात मैं धन्यवाद करूं क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, आत्मा को ना बुझाओ। दूसरे शब्दों में जब परमेश्वर की अनुमति से आई परिस्थिति में हम तुम्हें धन्यवाद देने में असफल हो जाते हैं, हम अपने भीतर पवित्र आत्मा के कार्य को रोक देते हैं। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो आप सफल, आप असफल में विरोध के लिए नहीं पर उस विरोध के पीछे उनका जो ईश्वरीय उद्देश्य है कि आपको तथा आपके विरोधी को आशीष मिले उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप अपने विरोधी को परमेश्वर के अभिकर्ता एक एजेंट के रूप में देखें जो आप में परमेश्वर को चरित्र को प्रकट करता है, आप में परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करता है। हालेलुया। एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। रिचर्ड बूमेन ने एक बार यह सुंदर कहानी सुनाई और उस कहानी को मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बहुत अच्छी कहानी है, आप ध्यान से सुनिए। मैंने इस कहानी को एक दो बार लोगों को सुनाया और मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए इस कहानी को। एक लड़की थी जो उन वीर मिशनरियों की कहानियों के मध्य पली बड़ी थी जो नरभक्षी जंगलों के मध्य में थे, उन्हें मसीह तक लाने का कार्य करते थे। उनकी प्रार्थना थी, परमेश्वर ऐसे ही मिशनरी बनने में हमारी सहायता करे, मेरी सहायता करे। उसका स्वप्न था कि ऐसे ही बुरे लोगों के खातिर अपने आप को कुर्बान कर दे। समय के बाद साथ साथ वह स्वप्न बदलता गया और 18 वर्ष की आयु में उसकी प्रार्थना होने लगी, परमेश्वर मुझे एक अच्छा मसीही पति देना। उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला और उसका विवाह हो गया। 6 सप्ताह तक वह अपने पति के साथ खुश रही, फिर पार्ल हार्बर पर जापान का आक्रमण हुआ और युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हो गया और वह 3 वर्ष तक उससे दूर रहा। अंत में जब वह घर लौटा, वह अब पहले के समान अच्छा और प्यार करने वाला पति नहीं रह गया था। एक शाम वह नशे की हालात में घर लौटा, उससे एक भी शब्द अच्छा कहे बिना वह काफी वही सोफे पर सो गया। वह दूसरे कमरे में चली गई और आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर मेरे पति को बदल दीजिए। परमेश्वर का उत्तर आया, मैं उसे ना बदल कर क्यों ना तुम्हें बदलूं? उसने उत्तर दिया, परंतु मुझ में ऐसा कुछ नहीं है जिसे बदला जाए, मैं तो बचपन से आपकी रही हूं। तब परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे और मेरे मध्य एक गलतफहमी है, मैं हमेशा से तुम्हारी प्रार्थनाओं के प्रति ध्यान रखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था जब तुम नरभक्षियों के मध्य मिशनरी बनने के लिए अपने आप को दिया करती थी, पर इन दिनों नरभक्षी दुर्लभ हो गए और अफ्रीका के दूर दराज जंगलों या दूर दराज कहीं कहीं द्वीपों में पाए जाते हैं। तुम्हारे काम को आसान बनाने के लिए मैंने एक असभ्य से व्यक्ति को तुम्हारे घर में ला दिया है, उसके लिए एक मिशनरी बनो, स्वर्ग के राज्य के लिए उसे जीत लो, स्वर्ग के राज्य के लिए उसे जीत लो। वह वापस उस कमरे में गई, उसने उस नरभक्षी को देखा
और फिर से उससे के प्रेम से मैं पड़ गई। उसने निर्णय लिया कि उसे परमेश्वर की संतान और फिर से एक प्रेम करने वाला पति बनाना उसके जीवन का उद्देश्य होगा। उसे यह करने में लंबा समय लगा पर वह असफल रही, सॉरी वह सफल रही, वह सफल हो गई इस काम में। हमारे जीवन में भी कभी ऐसी कोई समस्या या घड़ी आती है तो पीछे ना हटे, पीछे ना हटे। परमेश्वर ने उन दोनों की आयु को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। वह अपनी धन्यवाद को प्रकट करने लगी, हर दिन आ उसको एक फूल दिया करता। परमेश्वर हमें परिपक्व करने के लिए कठिन कार्य से करने को बोलता है कई बार, और वो कठिन कार्य बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस जंग को, उस मैदान को छोड़कर भाग जाते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में अनुमति प्राप्त नरभक्षियों के लिए उन्हें धन्यवाद देने में हमारी सहायता करे। हम उनके साथ प्रेम में पड़ जाएं ताकि परमेश्वर हमें और उन्हें भी आशीष दे सके। यह हम ना भूलें कि क्षमा करने वाले, प्रेम में बुरे से बुरे पापी को अच्छे से अच्छा संत बनने की ताकत होती है। अच्छे से अच्छा संत, अच्छे से अच्छा बेटा और बेटी बनने की सामर्थ होती है। तीसरी और अंतिम बात जो है, परमेश्वर को पुकारें। हालेलुया, परमेश्वर को पुकारें मेरे प्रियो भाई और बहनों। जैसे कि भजन संहिता 130 के 1-4 में लिखा है, हे परमेश्वर मैंने तुझे गहराई से पुकारा, गहराइयों से पुकारा, तू तो क्षमा करने वाला है, तू तो क्षमा करने वाला है। क्षमा प्राप्त करने के लिए भजनकार ने हृदय की गहराई से पुकारा। एक क्षमा करने वाला हृदय प्राप्त करने के लिए भी हमें यही करने की आवश्यकता होती है। शब्द मात्र से की जाने वाली पर्याप्त नहीं होगी, अपने हृदय की गहराई से, अपने भयानक रूप से तब तक रोना और पुकारना होगा और रुकना नहीं चाहिए होगा, जब तक आप मसीह सदृश क्षमा करने वाला हृदय प्राप्त ना कर लें। हो सकता है नीचे, हो सकता है जो मैं आपको अगली बात बता रहा हूं वो ये जो कथन है वो आपको चौंकाने वाला हो, वो आपको चौंकाने, वो आपके कानों को शायद कड़वा भी लग सकता है। वो चौंकाने वाला यह एक मात्र सत्र है, सत्य है। आप अपने सबसे बुरे शत्रु से जितना प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम आप यीशु से करते हैं। आप अपने बुरे शत्रु से जितना प्रेम करते हैं उतना ही आप यीशु से प्रेम करते हैं। देखिए भजन संहिता और उसके 35 अध्याय और उसके 12-14 पद में भजनकार ने कितना सुंदर क्षमा करने वाला हृदय प्राप्त किया, कितना सुंदर क्षमा करने वाला हृदय प्राप्त किया। वहां पर वो कहता है, स्पष्ट रीति से कहता है, भजन 35 आप निकालिए और पढ़िए इसको, 12 पद से लेकर 14 पद तक, है ना। बे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहां तक कि मेरा प्राण ऊब जाता है। जब वे रोगी थे तब मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। मैं ऐसी भावना रखता था
कि मानो वे मेरे संगी या भाई हैं, जैसा कोई माता के लिए बिलाप करता हो वैसे ही मैंने शोक का पहरावा पहन हुए सिर झुकाकर शोक किया। वे मेरी भलाई का बदला बुराई से देते। हो सकता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, अंकल आंटी, आपके बुराई आपके भलाई का बदला कोई बुराई से दे रहा हो, यहां तक कि आपके प्राण को भी शोक दुख तकलीफ पहुंच रही हो, परंतु जब वे रोगी हुए तो वो कहता है मैं शोक का वस्त्र पहने रहा, मैंने उपवास रखा उनके लिए, अपने आप को दीन किया और मेरी प्रार्थना मेरी गोद में लौट रही थी। मैं ऐसा शोकित हुआ मानो भाई या मित्र के लिए मैं शोक से ऐसा झुक गया जैसे कोई अपनी माता के लिए दुखी होता हो। भजनकार के हृदय में अपने सबसे बुरे शत्रुओं के लिए, यहां तक कि उनके लिए भी महान प्रेम था जिन्होंने उसका प्राण और आत्मिक जीवन को नष्ट करने का प्रयास किया था। जब वे रोगी हुए तो उनके लिए उपवास और प्रार्थना किया और ऐसा रोकर पुकारा और शोक मनाया जैसे अपनी मां के लिए शोक मनाए। यह मसीह सदृश क्षमाशीलता, यह है स्वर्ग का एक स्वाद चखना, स्वर्ग का एक स्वाद चखना। ये मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने जो मसीह यीशु में विश्वास रखते हैं सिर्फ उनको ही ये वरदान दिया है, ये योग्यता दी है, ये योग्यता ये वरदान स्वर्गदूतों को भी नहीं है, ये सिर्फ उनको ही है जो मसीह यीशु में विश्वास रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको दाऊद के जैसा हृदय, दाऊद के जैसा मन दे, दाऊद के जैसा आपको हृदय दे और आपकी सारी पीड़ाएं, आपके सारे रोग, आपके सारे श्राप परमेश्वर आज ही तोड़ दे। आइए प्रार्थना करें। यदि आज आप पाप के तले हैं, यदि आज आप शराब के तले हैं, यदि आपने आज किसी को क्षमा नहीं किया है, कोई भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, यदि आपने अभी तक अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना नहीं की, आज आपने अभी तक अपने बैरी के लिए प्रार्थना नहीं की, आज समय है, आज क्षमा करने का समय है। आज अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, अपने मित्र को, अंकल को, आंटी को, बच्चे को, रिश्तेदार को, टीचर को, पासवान को, विश्वासी को, जिसको भी आज तक आपने क्षमा नहीं किया है, आपने अपने मुंह से बुरे शब्दों का या सोचा भी है, आज आप क्षमा करें हर एक को। आज अपने पड़ोसी से आपकी हो सकता है झगड़ा हो गया हो और आपके मन में, आपके हृदय में कड़वाहट हो और आज भी आप उस कड़वाहट को लेकर चल रहे हो, आज यीशु से कहें, हे प्रभु यीशु, मुझे एक क्षमा करने वाला नया हृदय दे दे प्रभु, नया दिल दे दे परमेश्वर पिता, मेरे लिए किसी के, मेरे लिए परमेश्वर पिता नया मन दे प्रभु जी, कि उस मन में, उसके हृदय में प्रभु जी किसी के लिए कोई कड़वाहट ना रहे प्रभु, किसी के लिए कोई ईर्ष्या ना रहे प्रभु, किसी के लिए कोई बुराई न रहे पिता। मेरे बारे में लोग चाहे कैसा भी कुछ भी बोले प्रभु, मेरे बारे में चाहे लोग कितनी भी बुराइयां करें प्रभु, हाँ प्रभु, मैं किसी की बुराई ना करूं प्रभु, हाँ जैसे तूने दाऊद को दिया परमेश्वर, हाँ जैसे तूने यीशु को दिया प्रभु, यीशु का हृदय मेरे अंदर फिट कर दे प्रभु। कहे प्रभु से, मैंने आज तक पिता किसी को अधिक क्षमा नहीं किया, मेरे भाई को, मेरे बहन को, मेरे मित्र को, मेरे रिश्तेदार को, मेरे टीचर को, मेरे पड़ोसी को, मेरे दूर के रिश्तेदार, किसी को भी प्रभु, आज मैं यीशु के नाम में क्षमा करता हूं, आज यीशु के नाम में मैं उसे आशीर्वाद देता हूं, आज मैं अपने बैरी को क्षमा करता हूं। हालेलुया। यदि आप किसी का नाम जानते हैं
आप किसी का नाम जानते हैं, हालेलुया, आप उसका नाम लेकर प्रार्थना करें। यदि आपने किसी का दिल दुखाया है, आपने किसी के साथ विश्वासघात किया है, आप पर किसी ने विश्वास किया है और आपने उसका विश्वास तोड़ दिया है, आज आज ये समय है मेरे प्रियो, गल हो ना हो, आज ये समय है कि आप कहें प्रभु तू मुझे क्षमा कर, हो सके तो आप उससे भी क्षमा मांगे, हो जीसस हालेलुया, आप क्षमा मांगे। हो सकता है आप किसी बीमारी को लेकर चल रहे हो सकता है वो पाप का कारण हो, आप क्षमा मांगे, क्षमा मांगे, यीशु से कहे प्रभु क्षमा कर। आज देश के लिए प्रार्थना करें, ओ देश के लिए क्षमा मांगे प्रभु, हमारे भारत देश पर प्रभु परमेश्वर पिता, जो भी मूर्ति पूजा का, जो भी जादू टोना का, ओ जो भी लड़ाई और झगड़े और ईर्ष्या के, ओ बलात्कार के प्रभु, जो भी पिता परमेश्वर पाप और शराब है प्रभु, उन्हें भी परमेश्वर तू हमारे देश से दूर कर दे प्रभु। ओ जीसस हालेलुया, क्षमा मांगे परमेश्वर से, ओ जीसस हालेलुया, ओ जीसस हालेलुया, क्षमा मांगे, कहे प्रभु क्षमा कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं अपने प्रभु मेरे मुंह से किसी को शराब दिया हो, मेरे मुंह से आप शब्द निकलाओ प्रभु जी, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे माँ बाप के लिए परमेश्वर, या माँ बाप ने पिता मुझे परमेश्वर पिता, या मेरे टीचर ने, या मेरे पड़ोसी ने मेरे परमेश्वर पिता, या मेरे रिश्तेदार ने, मेरे ताऊद, मेरे फूफा फूफी, मामा मामी, चाचा चाची, दादा दादी, किसी ने भी परमेश्वर पिता मुझे शराब दिया हो, आज यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर पिता वो शराब टूट जाए, आज वो शराब टूट जाए, चाहे वो बीमारी का शराब दिया हो, चाहे वो बर्बादी का शराब दिया हो, चाहे वो बांझपन का शराब दिया हो, कहे चाहे कोई सा भी शराब क्यों ना दिया हो, आज यीशु मसीह के नाम से कहो कि आज मैं उस शराब को तोड़ता हूं, आज यीशु के नाम से कहो मैं उस शराब को तोड़ता हूं, यीशु के नाम से अपने हाथ को सर पर रखो और यीशु का लहू लगाओ, यीशु का लहू लगाओ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आज वो हर एक शराब टूटे यीशु के नाम में, हर एक गरीबी का शराब टूट जाए, हर एक कर्ज का शराब टूट जाए, हर एक बीमारी का शराब टूट जाए, हर एक बांझ का शराब टूट जाए, हर एक पति पत्नी के लड़ाई झगड़े का शराब टूट जाए, हर एक शराब टूट जाए, यीशु के नाम में कहो मेरे ऊपर से आज सारे शराब टूटे यीशु के नाम में, ओ शंदरा बराबा, आज यीशु के नाम में कहो यीशु का लहू मेरे ऊपर आ जाए पाए और मेरे ऊपर से सारे शराब टूट जाए, हालेलुया, यीशु के नाम में कहो, घोषणा करो यीशु के नाम में कि मैं शराब के नीचे नहीं, मैं क्रूस के नीचे, मैं कलवरी क्रूस के नीचे जीवन जीऊंगा, हालेलुया, मैं बच्चन में जीवन जीऊंगा, हालेलुया 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 हालेलुया, ओ प्रभु को भेंट नहीं दी मैंने, मैंने प्रार्थना नहीं की, मैंने गरीबों की सुधि नहीं ली, मैंने विधवाओं की सुधि नहीं ली, मैंने अपनी कमाई का दशमांश नहीं दिया, ओ जो भी मेरे ऊपर शराब है आज वो यीशु के नाम में मेरे ऊपर से शराब टूट जाए, यीशु के नाम में मेरे ऊपर शराब टूटे, मैंने अपनी कमाई का दसवां हिस्सा या मैंने अपने आप को परमेश्वर को नहीं सौंपा है, आज यीशु के नाम से हर एक शराब मेरे ऊपर से टूटे, यीशु के नाम में प्रार्थना करो, यीशु के नाम में कहो, घोषणा करो यीशु के नाम से, अपने हाथ को उठाकर घोषणा करो, ओ कोई भी चुप ना रहे, प्रार्थना करें, आप जहां पर भी हैं, जिस भी स्थान पर हैं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मेरे प्रियो, शराब आपको नहीं बढ़ने देता है, शराब आपको नहीं बढ़ने देता है, चाहे वो शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से, भौतिक रीति से हो, चाहे वो किसी भी रीति से, शराब आपको नहीं बढ़ने देता है, जैसे आप बढ़ने की कोशिश करते हैं ओ वो शराब भारी हो जाता है, आज यीशु के नाम में उसे तोड़ दो, इस उपवास की प्रार्थना के द्वारा आज हर एक के शराब टूट रहे हैं यीशु के नाम में, हालेलुया, आप क्रूस के पनाहों में आ जाओ, क्रूस के नीचे आ जाओ, यीशु के लहू में वो ताकत है, यीशु के लहू में वो सामर्थ्य है कि आपके शराब टूटेंगे, हालेलुया, हर एक नशे की आत्मा, हर एक वो व्यभिचार की आत्मा, हर एक वो नशे की आत्मा, यीशु के नाम में वो शराब आपके ऊपर से टूट रहे हैं, आज यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आप बहुत कमाते हैं, आपके ऊपर आपके घर पर रुकता नहीं है, आप योजनाएं बनाते हैं, वो योजनाएं सफल नहीं होती हैं, यीशु के नाम में
हालेलुया हालेलुया। आज से कहो मेरी योजनाएं सफल होने पाए, मेरी योजनाएं सफल होने पाए, मेरे घर सफल होने पाए, मेरा परिवार समृद्धि में होने पाए, मेरे ऊपर से हर एक शराब टूटे यीशु के नाम में। कहो 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 घोषणा करो यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक कर्ज का शराब टूट जाए, हर एक बीमारी का शराब टूट जाए। ओ जीसस हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जीसस हालेलुया। यीशु के नाम से आपका विवाह होगा यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। आपके रिश्ते बनेंगे। आप नौकरी करने के लिए जाते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है। आप काम करने जाते हैं, काम नहीं मिलता है। आप काम करते हैं, आपका पैसा नहीं मिलता है सही समय पर। यीशु के नाम से कहो मेरा काम किया हुआ पैसा मुझे मिलने पाए, मेरा दिया हुआ लोगों को पैसा वापिस मिलने पाए यीशु के नाम में। घोषणा करो आज घोषणा करो घोषणा करो यीशु के नाम में। कमांड करो आज यीशु के नाम में होगा आज की रात आपके जीवन में यीशु के नाम में। हालेलुया यीशु के नाम में। आपने लोगों की सहायता की, आपने लोगों की मदद किया, वो लोग आपका पैसा खाने की सोचते हैं। यीशु के नाम में कहो कि मेरा रुका हुआ पैसा, ओ मेरे रुके हुए काम बनने पाए आज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आपने जो खोया है इस कोरोना काल में वो यीशु के नाम में आपको वापस मिलने पाए। घोषणा करो यीशु के नाम में। कहो यीशु के नाम में। कहो यीशु के नाम में आपके जीवन में। देखो परमेश्वर आज की रात आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया यीशु मसीह के नाम से मैं उन्हें पूरा होता हुआ देख रहा हूं, मैं उन्हें पूरा होता हुआ देख रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, जो मेरे साथ घोषणा कर रहे हैं, आज यीशु के नाम उनके जीवन में अद्भुत काम होगा। हालेलुया हालेलुया। हर एक शराब आपके ऊपर से टूट रहा है, आपके घर से, आपके बिजनेस से, आपके काम से, आपके परिवार से, आपके ऊपर से, आपके शरीर से। घोषणा करो यीशु के नाम में वो शराब टूट जाए, वो शराब टूट जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। आपकी आपकी योजनाओं पर जो शैतान डाका डालता है, शैतान प्रहार करता है, आज यीशु मसीह के नाम से कहो शैतान तू उखड़ जा, उसे पर तू छोड़ दे यीशु के नाम से। हालेलुया जीसस। तेरा कोई अधिकार नहीं है। ओ मेरे बॉडी को छोड़ दे, मेरे मन को छोड़ दे, मेरे शरीर को छोड़ दे, मेरे परिवार को छोड़ दे यीशु के नाम से। ओ कहो 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 यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया जीसस यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप आशीष हो रहे हैं, आप आशीष हो रहे हैं। बोलो अपने हाथों को उठाकर मैं आशीषित हो रहा हूं। ओ यस हालेलुया। आज यीशु के नाम में मैं आशीष को पा रहा हूं, आज यीशु के नाम में मैं आशीष को पा रहा हूं, क्योंकि मैं अपने बैरी को माफ कर रहा हूं और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आज मैं किसी के लिए, मेरे मन में कोई कड़वाहट नहीं है, किसी के प्रति कोई बुराई या बैर नहीं है मेरे मन में यीशु के नाम में। हालेलुया। घोषणा करो आज यीशु के नाम में आपका जीवन बदल रहा है, आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम से। ओ पिता मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग प्रभु मेरे साथ आज पिता परमेश्वर पिता अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। ओ जो अपने शरापों को तोड़ रहे हैं पिता परमेश्वर पिता, ओ यस हालेलुया, अपने काम के शरापों को, अपने परिवार के शरापों को, अपने जीवन पर, अपने घर पर, ओ यस हालेलुया, ओ अब्बा पिता हालेलुया, अपने घर को, सारी चीजों को जो आपको दिया है परमेश्वर ने, ओ हर एक को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो यीशु के नाम से। कहो कि मैं अपने आप को और अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को और मेरे पास जो भी है मेरे अब्बा पिता सब कुछ सौंपता हूं प्रभु जी। तू जय पाने वाला परमेश्वर है, तू शैतान को प्रभु जी मेरे पैर के नीचे रौंदने वाला परमेश्वर है। आज यीशु के नाम में मैं जय पाऊंगा, यीशु के नाम में मैं विजय पाऊंगा। हालेलुया। मैं हर एक चीज को यीशु मसीह के हाथों में सौंपता हूं। कहो मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक चीज को प्रभु तेरे तेरे प्रभुता तले लाता हूं, तेरे उसकी पनाहों में लाता हूं मेरे परमेश्वर पिता। आज यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर, आज मैं हर एक शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम से। ओ यस हालेलुया। प्रभु मैं अपने आप को और अपनी सारी चीजों को तेरे बलवंत हाथों में देता हूं मेरे परमेश्वर पिता। ओ यस हालेलुया। आज यीशु के नाम से आपके ऊपर से वो गरीबी का, वो कर्ज का, वो बंधन का, वो बेरोजगारी का, जो दर बदर भटकने का, ओ जो ठोकर खाने का, वो हर एक शराब टूटेगा, वो बांझपन का, वो हर एक शराब टूटेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, आप यीशु मसीह के नाम में विजय पाओगे। बोलो मैं यीशु के नाम में जय पाऊंगा, बोलो मैं यीशु के नाम में विजय पाऊंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे जय के उत्सव में लिए फिरता है। ओ यस हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज तू पिता परमेश्वर पिता मुझे और मेरे परिवार को
ब्लेस करने के लिए जा रहा है मेरे परमेश्वर, हर एक चीज को प्रभु तू आशीष देने के लिए जा रहा है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ जीसस हालेलुया। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, हर एक को मेरे परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सनाऊ क्या होगा। ओ थैंक यू जीसस हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, ओ थैंक यू जीसस हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। ओ जीसस हालेलुया, हर एक बंधन को तोड़ दे यीशु के नाम में। ओ जीसस हालेलुया, मैं यीशु के नाम में आज हर एक बंधन को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर से, आपके परिवार से, आपकी सारी चीजों के ऊपर से वो हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम में टूट जाए और आशीषित होने पाए। मेरा चर्च यीशु के नाम में, चर्च आशीषित हो, कलीसिया आशीषित हो, मेरा देश, मेरा नगर, मेरा शहर, मेरा हर एक जगह आशीषित हो मेरे यीशु के नाम से। ओ जिस जिस कॉलोनी में मेरे परमेश्वर पिता मेरे लोग रहते हैं, जिस जिस शहरों में रहते हैं पिता, ओ प्रभु यीशु के नाम से मैं उन्हें आशीष देता हूँ। और वो जो भी जो जो काम करते हैं, मैं उनके कामों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ। ओ जीसस हालेलुया, यीशु के नाम से मैं उन्हें आशीष देता हूँ। सामर्थ्य परमेश्वर पिता, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद हो, पिता तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद हो, हालेलुया जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, ओ परमेश्वर तूने अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। ओ प्रभु तू मेरा परमेश्वर है और मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है मेरे परमेश्वर पिता, और मुझे आशीष दे रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, सारी महिमा और सारा आदर, सारा जलाल पिता परमेश्वर आपको देते हैं। धन्यवाद यीशु, ओ प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ओ धन्यवाद दो प्रभु को, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो यीशु को, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ परमेश्वर पिता को, ओ धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ परमेश्वर को, यीशु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला और आशीष को देने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना सुनी प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुनी मेरे परमेश्वर पिता और मुझे आशीष दी प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। यीशु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद हो। तूने मेरी प्रार्थना सुन ली परमेश्वर पिता और मुझे ब्लेस किया है प्रभु जी, इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा और आदर तुझे देते हैं पिता। ओ यीशु तेरा धन्यवाद हो, तूने हर एक शराब को प्रभु तोड़ दिया, हर एक बंधन को तोड़ दिया प्रभु आज और आशीष की। यीशु तेरा शुक्रिया, शुक्रिया मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से कबूल कीजिए पिता। आमीन, 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 आमीन। ओ जीसस हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ओ जीसस हालेलुया, ओ परमेश्वर को धन्यवाद करें, ओ उसके पवित्र नाम की महिमा करें, ओ उसके नाम की जयकार करें। ओ थैंक यू जीसस हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड यीशु, तेरी जय जयकार। यस आमीन, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, हालेलुया यीशु तेरी जय जयकार। आमीन यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय। जयकार करें यीशु को, यीशु का जयकार करें, हालेलुया, यीशु तेरी जय जय, यीशु का जयकार नारा लगाएं।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए धन्यवाद की प्रार्थना करें। ओ जीसस हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद दें। सच में परमेश्वर महान और पवित्र है और सामर्थी परमेश्वर है। वो दयालु परमेश्वर हैं। ओ जीसस हालेलुया, वो हम पर अपनी दया को प्रकट करते हैं। ओ जीसस हालेलुया, प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। ओ थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। पवित्र आत्मा
आत्मा प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर पिता, आज की रात के लिए, आज की शाम के लिए परमेश्वर पिता, अच्छी आराधना, अच्छे वचन के लिए जीवित परमेश्वर पिता, कि आपने प्रभु हमें आशीष दिया और ब्लेस किया और सब प्रकार के शरापों को प्रभु जी तोड़ दिया, और परमेश्वर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे ही पिता आपने हमें भी पिता परमेश्वर क्षमा कर दिया और हमें ब्लेस कर दिया परमेश्वर, जैसे हमने अपने अपराधी के लिए परमेश्वर पिता, हमारे दुश्मन के लिए परमेश्वर जैसे हमने आशीष दी मेरे परमेश्वर, वैसे ही तूने हमें भी पिता परमेश्वर आशीषित कर दिया मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु तूने हमें प्रेम करना सिखाया, हमें प्रेम से भर दिया प्रभु तूने, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद यीशु, संपूर्ण बाइबल का सार यही है कि प्रेम ही परमेश्वर है, हाँ प्रभु प्रेम है तो आप है मेरे परमेश्वर पिता, शुक्रिया अदा करते हैं आज की रात मेरे परमेश्वर, हर एक परमेश्वर मीठी नींद सोने पाए और हर एक को प्रभु तूने चंगा किया और छुटकारा दिया, इसके लिए यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक के शराब को तोड़ दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हाँ प्रभु आपने लोगों को दर बदर भटकने से परमेश्वर पिता इस शराब को तोड़ दिया प्रभु, आपने लोग परमेश्वर पिता 15 दिन 20 दिन इस जगह और उस जगह काम करते थे परमेश्वर पिता और उनकी सैलरी नहीं मिल पाती थी, उस शराब से भी प्रभु तूने आशीष किया, वो तोड़ दिया परमेश्वर और उन्हें स्थाई कर दिया प्रभु जी, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं, सारा महिमा और आदर पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं, सुनिए और दया से कबूल कीजिए पिता, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और दया सब मिलने वालों के साथ बनी रहने पाए यीशु के द्वितीय आगमन तक, आमीन आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, सबको प्रभु आशीष दे, आमीन, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। एक गीत सुनेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, नागपुरी सॉन्ग है, हालेलुया, आभारी आभारी मान तो यीशुला, अमी आभारी रे आभारी मान तो यीशुला, अमी आभारी मान तो यीशुला, अमी आभारी मान तो यीशुला, अमी आभारी रे आभारी मान तो यीशुला, अमी आभारी रे आभारी मान तो यीशुला, आभारी 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 आभारी, आभारी 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 आभारी, आभारी 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 आभारी, अमी आभारी आभारी मान तो यीशुला, आया लपी आला यीशु ने जिले सुने दिली, आया लपिया लाइए सुने दिले, रहा दादा ये सुने दिली, अमी आभारी रे आभारी मान तो यीशुला, अमी आभारी रे आभारी मान तो यीशुला,
यीशु ने केली, नवा जीवन यीशु ने दिले, अपन क्षमा यीशु ने केली, नवा जीवन यीशु ने दिले। अमी आभारी रे आभारी मन तो यीशु ला, अमी आभारी रे आभारी मन तो यीशु ला। अमी आभारी आभारी मन तो यीशु ला, अमी आभारी रे आभारी मन तो यीशु ला, अमी आभारी मन तो यीशु ला, अमी आभारी रे 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 आभारी मन तो यीशु ला। जीजस हालेलुया, थैंक यू जीजस। आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, लाइव प्रार्थना फास्टिंग प्रार्थना में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे, आमीन। ऐसे ही जुड़ते रहिए, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए और बहुत आशीष दे। सबको जाना सीखिए, आपका आशीष दे, प्रभु आपका समान है, आपके परिवार को भी सबको जाना चाहिए। प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड।